नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जोया अब्बास। इस वक्त की बड़ी खबर उन अभ्यर्थियों के लिए आ रही है जिन्होंने यूपीएससी के एग्जाम दिए थे। बता दें कि यूपीएससी ने अपने सिविल सेवा का फाइनल रिजल्ट निकाल दिया है। वहीं अगर बात की जाए तो पहले तीन स्थानों पर लड़कियों ने बाजी मारी है। हम आपको एक एक करके बताते हैं कि पहला स्थान किसे मिला है। बात की जाए पहले स्थान की तो पहले स्थान पर ऋतु शर्मा है, वहीं दूसरे स्थान पर अंकिता अग्रवाल है, तो तीसरे स्थान पर गामिनी सिंगला है। बात की जाए चौथे स्थान की तो चौथे स्थान पर ऐश्वर्या वर्मा है, वहीं पांचवें स्थान पर उत्कर्ष द्विवेदी है। छठा स्थान यश चौधरी को मिला है। बात की जाए सातवें स्थान की तो सातवें स्थान पर सम्यक एस जॉन है, वहीं आठवें स्थान पर इशिता राठी है। नौवां स्थान प्रतीम कुमार को मिला है, तो वहीं दसवें स्थान पर हरकीरत सिंह रंधावा है। बात की जाए तो यूपीएससी ने सीसेट 2021 के लिए अधिसूचना 4 मार्च 2021 को जारी करते हुए पंजीकरण शुरू किया था और आखिरी तारीख 24 मार्च रखी थी। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा 27 जून को आयोजित की गई थी, वहीं जिसके नतीजे की घोषणा 29 अक्टूबर को की गई। इसके बाद मुख्य परीक्षा 7 से 16 जनवरी 2022 तक आयोजित की गई थी और परिणाम 17 मई को जारी हुए। इसके बाद इंटरव्यू राउंड 5 अप्रैल से 26 मई 2022 तक आयोजित किया गया। लोग यहाँ दिल्ली बम्बई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे है ना? नया घर खरीद रहे हैं कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बम्बई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।